नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल वनडे एंड रिजल्ट एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहले जो टॉपिक होगी हम लोगों की वह होगी वर्ग वाइज जो भर्ती कराई गई है 68,500 शिक्षक भर्ती में, उसके बारे में हम लोग बताएंगे कि किस वर्ग में कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं। साथ ही साथ जो दूसरी न्यूज़ निकल के आती है वह है कि इसमें अभी जो अभ्यर्थी फेल हुए हैं 68,500 में से, उसकी जो बची हुई सीटें हैं वह नेक्स्ट एग्ज़ाम में शामिल किया जा रहा है, दो जो करीबन 95,000 से ज़्यादा सीटें हो रही हैं, उसके बारे में हम लोग कुछ न्यूज आए उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए डिसलाइक करें, और हाँ शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। और जी हाँ दोस्तों, जो शिक्षक भर्ती से संबंधित पहला न्यूज़ निकल के आ रहा है वह है कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कितने प्रतिशत अभ्यर्थी पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। ठीक है, उसी को कोट करते हुए जो इसके मुख्य सचिव हैं उन्होंने एक ट्विटर साझा किया है, डॉक्टर प्रभात कुमार जी ने, उसी को हम आपके सामने रख रहे हैं। ये पेपर भी दिया गया है तो उसको हम बताने जा रहे हैं आपको। तो आप देख सकते हैं कि 62% के करीब जो है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पास हुए हैं, और सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वह करीब करीब आपके 38% के करीब पास हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारा ब्यौरा देखना जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ मोटे में लिखा गया है कि जो 41,556 में से 15,772 अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग के हैं, और ओबीसी वर्ग के 19,168, और एससी एसटी के लिए जो हैं वह 6,616 अभ्यर्थी पास हुए हैं। ठीक है, ये आंकड़ा मैं आपको ये काफ़ी चीज़ें लिखी हैं तो मैं आंकड़ा ये आप दिखा देता हूँ क्रम वाइज। इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लिखा गया है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ फिर आप यहाँ से देख सकते हैं डीपली। आप देखिए यहाँ से लिखा गया है कि 41,556 सफल अभ्यर्थियों में से 15,772 यानी कि आप करीब 38% के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी पास हैं। आगे लिखते हैं ओबीसी के लिए 19,168 के करीब, जो इसका आंकड़ा 40% करीब है, और इसी प्रकार देख सकते हैं एससी एसटी के लिए जो है 6,616% पास हुए पद पास हुए है, और जिसमें से फीसदी होता है आपको 16% करीब ये पास किए गए हैं अभ्यर्थी। ठीक है, तो ये अफवाह आप ना जाएं, ये छोटी सी न्यूज़ थी मैंने आपको दे दिया। अब हम आगे चलते हैं, उसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में फेल हुए हैं उनके लिए अगली परीक्षा में चांस दिया जा रहा है, वो वैकेंसी 95,000 कर दी गई है। तो अगला न्यूज़ हम लोग देखते हैं। अगला न्यूज़ आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है कि चुनाव से पहले ही ये लोग 95,445 शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराएंगे। ठीक है, ये मोटे हेडिंग में लिख दिया गया है। अब इसमें क्या समस्याएं और क्या चीज़ें आ रही हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो 95,445 पद हैं इसको ये लोग इसलिए भरना चाहते हैं क्योंकि अगली बार लोकसभा चुनाव आने वाला है, जो कि चुनाव में भी सारे अधिकारी व्यस्त रहते हैं, और कुछ पॉलिटिकल लाभ के लिए भी यह चुनाव से पहले परीक्षा कराई जाएगी। जो पहले निर्धारित किया गया था कि यह परीक्षा फरवरी में कराई जाएगी, ठीक है, लेकिन अब इसको यह लोग चुनाव को देखते हुए यह परीक्षा इसको नवंबर में करा देंगे, दिसंबर में, और उसी समय आपको जनवरी तक भी यह ज्वाइनिंग लेटर भी आपको मिल सकता है, क्योंकि यह दिसंबर तक ये परीक्षा जो है कराने की योजना सरकार बना रही है। आप ये देख सकते हैं आगे इसमें जो दिए गए हैं कि जल्द से जल्द करा के आपका जो टीईटी का है, ठीक है, जो टीईटी का एग्ज़ाम कराया जाना है वह भी अक्टूबर के अंतिम हफ्ते तक टीईटी की परीक्षा ले ली जाएगी, और उसके बाद ये लिख रहे हैं कि नवंबर में इसका रिजल्ट निकालने के साथ भर्ती की लिखित परीक्षा होगी, इसके रिजल्ट के साथ ही भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आगे लिखते हैं बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होने के बाद जो 1,37,000 जो पद खाली हुए थे इसमें दो शिफ्टों में ये लोग एग्जाम करा रहे हैं। आपको जैसा पता होगा 68,500 जिसमें से पहले 68,500 में कुछ अभ्यर्थी पास नहीं हुए थे, 26,000 करीब, वही पद इसमें सृजित किया गया है जिसकी पदों की संख्या हो जाती है आपका 95,445। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आपके अब इसी साल करा लिया जाएगा, ये आपके लिए भी अच्छी गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों अगर आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।